भदोही की डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए कांग्रेस की तरफ से नेताजी चौक पर प्रदर्शन किया गया है, क्या मांगे को लेकर आज आप देखिए, ये जो डंपिंग ग्राउंड जो 5 नंबर में बनाया था, ये टेम्पररी स्वरूप का बनने वाला है। ऐसा उस टाइम में 7-8 साल पहले प्रशासन ने, लोक प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि वहाँ का डंपिंग ग्राउंड की कैपेसिटी खत्म होने से ये टेम्पररी डंपिंग ग्राउंड अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे और ये जल्दी यहाँ से हटाया जाएगा। इसलिए लोगों ने भी शहर हित में ये डंपिंग ग्राउंड को बनने दिया और उसके बाद में इस विषय को अभी 7 साल हो गए। इन 7-8 सालों में जो पहले विषय सिर्फ लोगों मतलब गंदगी और रोगराई से था, अभी वो लोगों के आरोग्य पे सेहत पे आ चुका है, तो ये काफ़ी गंभीर विषय हो गया है। पिछले 7-8 सालों में अलग अलग संगठनों ने उस पर आंदोलन किए, फिर सबसे पहले हमारे सतराम दादा जो ज्येष्ठ नगर से होके उन्होंने उपोषण किया है, हमारे रोहरा जी मनीष ठाकुर जी उनके टीम ने बीच में शॉप अपना मार्केट बंद किया है, इतने गंभीर आंदोलन किए है। ईश्वर वनवारी जी हमारे ज्येष्ठ नगर से उन्होंने आंदोलन किया है, तो ऐसे सभी लोग, कुछ लोग कोर्ट गए हमारे राजेश जी, तो ऐसे लोग करते हैं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हर बार जो है बोलती है 1 साल में होएगा, 6 महीने में होएगा। तो अभी हम लोग जो बैठे हैं, हमको ये क्लियर टाइमलाइन चाहिए कि ये कभी ये डंपिंग यहाँ पे करना बंद करेंगे, और दूसरा है कि ये बाकी यहाँ का कभी निकाल के दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो जब तक ये हमको देते नहीं, उसके लिए हमने उपोषण लेटर दिया है। साथ ही साथ में अधिवेशन राज्य में चल रहा है, वहाँ पे भी हमने ये प्रश्न दिया है, तो वहाँ से भी अपेक्षा है कि कुछ आवाज़ उठेगी, तो इसके लिए हम लोग उपोषण पे बैठे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये हमारा उल्लासनगर 5 है, इस शहर का तीर्थ स्थान है, सारे जग प्रसिद्ध और पूरे देश में प्रसिद्ध ऐसे तीर्थ स्थान जैसे पूज्य चालिया मंदिर, शिव मंदिर, वसंत शाह दरबार, स्वामी शांति प्रकाश आश्रम, ये सारे जो है, ये हमने बताया आपको गूगल में कि ये 700-800 मीटर के अंदर में इस डंपिंग ग्राउंड के, तो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनको भी ये तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। इसके लिए हम लोग ये जो है आज बैठे हैं, और जब तक हमको क्लियर इसमें कोई ठोस आंसर शासन से नहीं मिलता है, ये उपोषण जारी रहेगा। देखा जाता है हर बार चुनाव में अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा जनता को ये कहा जाता है अब की बार हट जाएगा, कुछ ही दिनों में हट जाएगा, और प्रशासन द्वारा कई बार आपसे पहले भी कई लोग कुपोषण पे बैठे हैं, उनको भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक ये डंपिंग ग्राउंड हटा नहीं है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो मुद्दा है ये कोई ऐसा इमीडिएट होने जैसा नहीं, लेकिन 7 साल भी बहुत लंबा टाइम होता है, तो हर संगठना हर पक्ष अपने अपनी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन देखिए फाइनली जिम्मेदारी तो सत्ताधारी को लेनी ही होगी। आज राज्य में सरकार किसकी है, यहाँ पे आमदार की कौन से पार्टी का है, खासदार कौन से पार्टी का है, देश में किसकी सत्ता थी 10 साल में, तो इनको जवाब देना होगा। इसके लिए उनकी तो दायित्व बनता ही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी है प्रमुख विरोधी पक्ष पार्टी है, तो हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जो भी आएगा हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट आने तक इसके लिए लड़ेंगे। और मैं ये भी बोलता हूँ जनता को कि हम तो लड़ रहे, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज ये लड़ाई की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये लड़ाई आज खत्म होने वाली, इसके लिए आंदोलन नहीं है, ये लड़ाई की अभी बहुत एग्रेसिवली लोगों ने शुरुआत करनी चाहिए ताकि साल भर में 6 महीने में इसका रिजल्ट मिले। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।